नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। क्षत्रियपुरा थाना पुलिस ने गंगवाल बस स्टैंड से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से आरसी की 11 बोतल जब्त की है। इंदौर पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में क्षत्रियपुरा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गंगवाल बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति खड़ा है, जिसके पास बड़ी मात्रा में अवैध शराब है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तन्मय निवासी देवास को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से आरसी ब्रांड की 11 शराब की बोतल मिली, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। जांच अधिकारी के अनुसार पकड़ाए आरोपी इंदौर में अपने रिश्तेदार के घर आया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से अवैध शराब के संबंध में पूछताछ कर रही है। क्षत्रियपुरा थाना पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जाँच शुरू की। ये कल दिनांक 5/8 की दरमियानी रात 2 बजे मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर कहीं जाने की तैयारी में गंगवाल चौराहे पर है। उसकी मुखबिर सूचना पर उस मुखबिर के बताया गुलिया के व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास थैली में एक पेटी थी जिसमें 11 बॉटल आरसी की मिली, जिसकी कुल कीमत 11,770 रुपये है। ये तन्मय पिता पुरुषोत्तम गोरानी है, निवासी करनो देवास का रहने वाला है। सर, यहाँ किस लिए आया था, क्या इसी तरह के पहले भी इस तरह का अपराध कर चुका है? अभी इसकी जांच चल रही है। यहाँ पर ये अपने साड़ू के आना बताया था, रिश्तेदारी में आना था, और ये शराब मिलने से उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत के जांच में लिया गया है। शराब की जांच कराई जा रही है। अभी जांच के उपरांत ही बता सकते हैं कि ये नकली है या नहीं। मेरा नाम नारायण डामोर, उप निरीक्षक थाना क्षत्रियपुरा इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।